क्या चाहिए? दीप चाहिए, दीप दीजिए उधर सब। दो दो दो। और क्रियांश भी एकदम छुपटा रहा है कि पानी में जाना है इसको। माँ छठ कर पा रही है बहुत खुशी के बाद, और बार बार प्रभु के अर्घ दे के प्रणाम करती हूँ। ऐसा वाला बच्चा सबको दीजिए, हमारे ऐसा सबका मनोरथ पूरा है, चारों कोना सबके लिए हम आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ पर लगभग जो है सारा बलून देख रहे हैं फूल चुका है, उसके अलावा यहाँ जो है एक पिलर बनाया गया है और जितना भी सीढ़ी है सभी को डेकोरेट किया जा रहा है। यहीं से एंट्रेंस रहेगा ऊपर जाने का। प्रसाद की पूरी तैयारी हो चुकी है जी, पूरा प्रसाद जो है बन चुका है, जितना भी कच्चा फल था सबको जो है धुला जा चुका है। और अब जो है यहाँ पर सूप तैयार कर रही है जी, यहाँ तो सभी में पिठार लगा दी और साथ में टीका लगा रही है, सब में सिंदूर लगा दी है। हाँ, सिंदूर अब सारे फल में लगेगा। अच्छा, उसके बाद अब सारे फल में लगेगा, जल्दी लगाया जाए। और बाहर आ रही होगी, आपको ढोल लगा रही की आवाज, क्रियांश जो है अपनी दादी के साथ लेटा हुआ है। अच्छा, इसको टल्ली मारना है, घूमना है तुमको, घूमने करना है। अच्छा, यहाँ जो डलिया है इसको वहाँ पहुँचाना है जिया। ठीक है, पहुँचा देते हैं। फिलहाल हम उसमें सिंदूर करेंगे सब। ठीक है, वही रखे। सबसे पहले नारियल, ये लो, सारा नारियल निकाल। कहाँ रखेंगे? सब सूप में रखती जाएगी। नहीं, पहले पिठार लगाएंगे तब। ठीक, एक और नारियल, ये बहुत बड़ा वाला है, ये लो, पांच सूप के लिए 8 नारियल। ये रहा पचमा, टॉप भी दीजिए, टॉप भी दे दे, ये भी 5 होगा। ये लो सारा लगाते जा, सबको सूप में रखते जाती, अच्छा रहता। अरे पहले एक बार टॉप में लगाएंगे तो सिंदूर सिंदूर हो जाता है, सिंदूर लगाने से फायदा होता है। अच्छा, उधर जी छठ का जो डाला है वह तैयार हो रहा है, मैं आ गया हूँ बाहर, सोचा कि थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में आप लोगों से बातचीत कर लूँ। ये बात क्या है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोगों के अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग तो न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेते हैं ही, साथ में हमें एडिशनल सप्लीमेंट भी लेना पड़ता है अपने शरीर की बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे कि मैं लेता हूँ वो लाइफ साइंस का अल्गेरिच ओमेगा 3 कैप्सूल। जिन्हें भी ओमेगा 3 के बारे में नहीं पता तो जल्दी से ओमेगा 3 के बारे में बता देती हूँ। ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारा शरीर जो है खुद प्रोड्यूस नहीं करता है, इसे बाहर के सोर्सेज से लेना पड़ता है। बाहर के सोर्सेज में हो गया जी फिश हो गया, मरीन एल्गी हो गया और कुछ प्लांट सीड हो गया, जिसे कि डेली के तौर पर लेना संभव नहीं है। इसलिए जी जरूरी हो जाता है हमें बाहर से एक हेल्दी सप्लीमेंट लेने की, जैसे कि मैं इसे यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बेनिफिट क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको यूज कैसे करना है। अगर इसके बेनिफिट के बारे में बात करें तो यह आपके हेल्दी हार्ट और ज्वाइंट के लिए बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। यह जो है आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करने में मेंटेन करता है और साथ ही आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेंटेन रखता है, आपके बोन और ज्वाइंट हेल्थ को इम्प्रूव रखता है। साथ ही इसमें होता है EPA and DHA विच हेल्प्स टू कीप द जॉइंट्स मोबाइल थ्रू प्रॉपर लुब्रिकेशन एंड इंप्रूव स्किन स्ट्रक्चर फॉर ए हेल्दी ग्लो। यह आपके नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है और साथ ही आपके नर्व हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपका माइंड काफी हेल्दी रहता है। अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन है तो आप यूज कर सकते हैं वॉल लाइफ साइंस का अल्गी रिच ओमेगा 3 कैप्सूल, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है जैसे कि मेरे घर के बाकी फैमिली मेंबर्स है तो आप यूज कर सकते हैं वॉल लाइफ साइंस का ओमेगा 3 कैप्सूल। अब मैं आपको बता देता हूँ इसको यूज कैसे करना है जी। आपको एक कैप्सूल लेना है मॉर्निंग में, एक कैप्सूल लेना है इवनिंग में, साथ में आपको फैटी रिच मील लेना है विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। तो जी देरी किस बात की, लिंक हमने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइए, जाकर के प्रोडक्ट को परचेज करिए। और हाँ, बी वो नेचुरली। चलिए जी, अब सीधा चलते हैं जिया के पास। जिया जो है पूजा रूम में सारे डाले को जो है तैयार कर रही है, हम भी जाकर के थोड़ा हाथ बटा देते हैं। यहाँ पर लगभग सारा सूप जो है भरा हुआ हो चुका है, उसके बाद अब हम जा रहे हैं वहाँ पर घाट की तैयारी करने के लिए। ऊपर का डेकोरेशन पूरा हो चुका है जी, तो देख सकते हैं यहाँ एक बाउंड्री हमने बनाया हुआ है और यहाँ पर नीचे से फूल का हुआ लाइन है। तो फाइनली हमारा सारा सूप तैयार हो गया, अब जल्दी से डलिया में पैक करना है फिर ऊपर लेके चलेंगे। सारी तैयारी तो हो गई जी, बस बारी है इस टब को तैयार करने की। यहाँ पर है हमारा वह टब, जल्दी से उसको तैयार करते हैं और घाट का जो काम है उसको पूरा करते हैं। तो टब तो हमने फैला दिया है जी, और यहाँ चारों बगल जो है कुर्सी डाल दिया है ताकि हम लोग को बैठ के पकड़ना न पड़े। ये आइडिया रेडी का था, कुर्सी वाला। आपके पास कैसा लगा डेकोरेशन? सही है। बाकी जी पीछे म्यूजिक चल रहा है एकदम छठ का, तो हो सकता है कि आप लोग को हमारा आवाज सुनाई नहीं दे। सारी तैयारी हो चुकी है जी, ऊपर जो है पानी भी भर चुका है, घाट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और हम भी तैयार हो गए हैं, जिया भी लगभग तैयार हो ही चुकी है। अब बची है मम्मी, मम्मी को जाकर के बोलते हैं जल्दी से तैयार होने और उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं घाट पर। तो दीदी तैयार हो गई? हाँ, तैयार हो गया, चलते हैं। अब इसको लेके इसको भी तैयार कर दिया जाए, है ना? चले।
तो क्रियांश भी आ गया है अपने पापा के पास और पापा जो है अब इसको तैयार करेंगे और क्रियांश का ये ड्रेस जो है चेंज कर देते हैं। बस ये ड्रेस भी मुझे अच्छा लग रहा है, बस इसे मुझे लग रहा है नीचे बस इसका बॉटम पहना दिया जाए तो ये अच्छा लगेगा, लेकिन देखते हैं जैसा हो इसकी मम्मी जैसा बोले। तो माँ भी पहन रही है जी नई वाली चूड़ी जो कल जिया लाई थी। वहाँ पर सब कुछ तैयार है ना, बस खाली डाला उठा के ले जाना है। क्रियांश भी अपनी दादी को देख रहा है तैयार होते हुए और देख रहा है मम्मी किस तरह से दादी को जो है तैयार कर रही है और क्रियांश चाह रहा है हमें भी तैयार किया जाए। क्रियांश तुम्हें भी तैयार होना है। कभी कभी सोचता हूँ लेडीज के बारे में आखिर कैसे इतनी आराम से चोरी पहन लेती है निकाल लेती है। जी मुझे ध्यान है कि मैं एक बार करा पहन रहा था, करा को किसी तरह से पहन तो लिया, जब निकालने की बारी आई ओ भाई साहब हालत खराब हो गई थी। यहाँ पर जी लगभग सब कुछ तैयार है और क्रियांश भी जाने के लिए तैयार है अपनी दादी के साथ घाट पर। क्रियांश वही क्रियांश इसका कितना भी बाल में कंघी मार दो बाल ऐसा ही हो जाता है। ये भी कुछ लेगा, तुम भी कुछ ले जाएगा, दिनकर जिंदगी तो तीन जरूर ला जाते। ये ले लो जिया रख दो। अब बारी है डाला को घाट पर ले जाने की। सोच तो रहे थे कि डाला को अकेले ही लेकर के चले जाए, सिर अपने सिर पर लेकर के चले जाए, लेकिन डाला जो इतना ज्यादा भारी था और घर में दिक्कत क्या है कि पापा भी कमर दर्द के पेशेंट, हम भी कमर दर्द के पेशेंट और मम्मी भी कमर दर्द के पेशेंट। तो मम्मी ने जो है बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं अकेले लेकर के नहीं जाना है, पापा को भी साथ में लगा दिया। तो दोनों जो है मिलकर उठा रहे हैं और उसको लेकर के जा रहे हैं। तो अभी सब चल रहे जी छत के ऊपर, सारा सामान तो ऊपर पहुंच चुका है और अब जिनको छठ करना है जो कि हमारी माँ है वो भी चल रही है और क्रियांश जो है अपने दादा के साथ सबसे आगे आगे जा रहा है। मम्मी पहुंच चुकी है जी हमारे छठ घाट पर और आज जो है पूजा होने वाली है डूबते हुए सूरज की। आसान नहीं होता जी निर्जला व्रत करते हुए इतने देर तक अच्छी खासी देर पानी में रहना। मम्मी जो बहुत खुश है कि पहली बार अपने घर पर माँ छठ कर पा रही है। बहुत खुशी के बाद और बार बार प्रभु के अर्घ दे के प्रणाम करती हूँ। ऐसा वाला बच्चा सबको दीजिए, हमारे ऐसा सबका मन रस पुराइए, चारों कोना सबके लिए हम आशीर्वाद मांगते हैं। ये लो हम देते जा रहे हैं। क्या चाहिए? दीप चाहिए? दीप दीजिए उधर सब। दो दो दो। मोमबत्ती भी जलाते देखते हैं बहुत। तो हमारे पड़ोसी भी छठ मना रहे हैं जी, एक भी दृश्य दिखा देते हैं। काफी अच्छा सजाया है उन्होंने और यहाँ पर हमारी भाभी जी छठ करती हैं। भैया उधर से हाथ दे रहे हैं। मोहल्ले में बहुत कोई छठ कर रही है जी, एक वो छत दिख रहा है, एक ये छत है, एक बगल में छत है और एक उधर भी कर रहे हैं श्रीकांत अंकल और एक उधर प्रीतम भैया सब की, उधर प्रीतम भैया की मम्मी कर रही है। जूम करके दिखा देता हूँ, वहाँ देख सकते हैं। और क्रियांश भी एकदम छटपटा रहा है कि पानी में जाना है इसको। अब बारी है जी सूर्य भगवान को अर्घ देने की। तो जिया यहाँ पर एक एक करके माँ को जो है सूप दे रही है। जैसा कि आपको कुछ देर पहले बताया था कि घर में सभी लोग कमर दर्द के पेशेंट है, माँ चाह रही थी कि जोरा सूप मिले लेकिन पापा और हम मिलकर के मना कर रहे थे कि जोरा सूप नहीं उठाने के लिए क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा भारी था, लेकिन माँ कह रही थी कि नहीं एक मन्नत मांगा हुआ है कि वह जोरा सूप जो चढ़ाया करेंगी। तो इस वजह से जो है माँ को मना नहीं कर पाए। फिर हम क्या किए कि साथ में माँ के पास चले ही गए, माँ को सूप पकड़ने में थोड़ा हेल्प करने लगे अर्घ देने से लेकर के बाहर निकालने तक में। और इधर हमारा बेटा क्रिया जीत कर रहा था कि उसे पानी के टब में जाना है और नहाना है। क्रियांश कह रहा है हम भी जाएंगे। पोता कोई मांग करे और दादाजी उसकी मांग को पूरा नहीं करे ऐसा कैसे हो सकता है? ये फिर दादाजी लेकर के चले गए उसको टब के पास। और क्रियांश जैसे ही टब के पास पहुंचा वहां खेलने लग गया जैसे कि हर रोज वो नहाते वक्त खेला करता है। वहाँ पर जी सूर्यास्त हो चुका है और यहाँ पर जो अर्घ भी दिया जा चुका है, बस बारी है आरती की। तो आरती करके
आज हम लोग चलेंगे फिर नीचे। इधर जिया आरती तैयार कर रही है जी, और आरती तैयार करके माँ के हाथ में ले रही है। तो सबसे पहले माँ आरती ले रही है। माँ की आरती लेने के बाद घर के जितने भी बाकी सदस्य है, जैसे कि हम हो गए, जिया हो गए, पापा हो गए, सभी मिल करके आरती ले रहे हैं। और यहाँ पर तो खास बात यह है कि हमारे क्रियांश भी आरती ले रहा है। क्रियांश भी खूब मजा कर रहा था। वह जो लपट देख रहा था आग का, वह सोच रहा था कुछ खाने वाली चीज है। जिया इसको दे दो आरती। तो हो गई जी आरती, सूर्यास्त भी उधर हो ही चुका है, और आज की पूजा जो है यहीं पर समाप्त हुई। और जितना भी सूप है सबको डाली में रखते हैं और अपने पूजा घर चलते हैं। पूजा हो गई जी, और अब जो है डाला को लेकर के नीचे जा रहे हैं। मुझे बहुत मन था कि छठ का जो डाला है एक बार अपने सिर पर रख कर नीचे ले जाओ, और अभी जो है कमर दर्द को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। छठी मैया की कृपा रही तो कुछ भी नहीं होगा जी। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पहली बार हमारे घर में छठ पूजा हुई है, और पहली बार अपने से सारा अरेंजमेंट किया है हम लोगों ने। ऐसा पहले नहीं हुआ था। हमारा जो नानी घर है वहाँ भैया सब ही और चाचा सब ही सब कुछ कर दिया करते थे, और अच्छा लग रहा है कि पहली बार खुद से छठ पूजा। गांव में भी सब कोई कर देते, हम लोगों को करने की जरूरत नहीं होती थी। बिल्कुल हाँ। तो फाइनली हमारा डाला आ चुका है। और भी कुछ ऊपर है, चलिए और भी कुछ बाकी सामान लेकर के आते हैं। हमारे यहाँ तो पूजा समाप्त हुई थी, अब आपको जाके दिखाते हैं हमारी कॉलोनी में जो बाकी सब जो छठ पूजा सब कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा आयोजन किया गया है, और सामूहिक पूजा का आयोजन है, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो हम पहुँच गए हैं जी फील्ड जहाँ पर छठ पूजा हो रही है, जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर के कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। साथ में हमारा भांजा भी मिल गया। यहाँ क्या गया सर? घाट से मात्र 15 दिन का पड़ा है। हाँ, क्रियान से 15 दिन का पड़ा है। और एक है ये बालक, उसका कितना एज हो गया? हाय, उगते हुए सूरज को जी सभी ने प्रणाम कर लिया, और आज की छठ की पूजा जो है यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आज का जो यह वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। और जो छठ पूजा होती है जी, हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है। काफी भक्ति भरा माहौल रहता है, काफी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं यहाँ पर सभी, और इसे महापर्व कहा जाता है। इसकी महत्व समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा है हमारे बिहार की तरफ। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं जी। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।